हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो ये ब्लॉग मेरा काफ़ी दिन के बाद आ रहा है और अभी है स्पेशल ओकेजन, आज है गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, मैं भी इस साल फास्टिंग मैंने की है गणेश चतुर्थी में, और कल से ही काफ़ी मतलब माहौल बना हुआ है घर में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन का। और हमारी सोसाइटी में भी गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, वहाँ पर भी पंडाल वगैरह बनाया गया है और पूरा गणेश जी को बिठाया गया है और पूजा पाठ चल रहा है। लेकिन मैं अपने घर में भी करती हूँ। सफाई अभियान मेरा कल से ही स्टार्ट हो गया था, घर की जो क्लीनिंग वगैरह होती है, कि कोई भी फंक्शन या मतलब कोई भी फेस्टिवल होता है तो उससे पहले हम लोग अपने मंदिर को अच्छे से क्लीन करते हैं, घर की सफाई करते हैं अच्छे से, तब जाके अच्छा भी लगता है कि भाई हमने सारा क्लीन कर दिया है, और फिर मतलब उस चीज़ को करने में मज़ा आता है। और अभी तो इवनिंग का टाइम है तो मंदिर मैंने पूरा सजा दिया है। अभी मेरा बेटा बाहर गया है तो थोड़ी देर बाद वो आएगा, तो अभी मैं पूजा स्टार्ट करूंगी गणपति जी की, और उनकी पूजा अच्छे से करेंगे दोनों मिलके। और रात के डिनर में मैंने सोचा है कि साबूदाना की मैं पकौड़े बनाऊंगी। उसके लिए मैंने साबूदाना पहले से ही भिगा के रख दिया था, क्योंकि मेरे बेटे को साबूदाना के पकौड़े बहुत पसंद है, तो उसकी वजह से ही मैं वो बनाऊंगी आज साबूदाने के पकौड़े। और फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में कि मैंने मंदिर किस तरीके से सजाया है, किस तरीके से डेकोरेशन की है मैंने। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि आप लोग किस तरीके से गणपति जी का पूजा पाठ करते हैं और किस तरीके से अपने घर में आप सजाते हैं। जैसे गणेश जी के फेवरेट तो मोदक होते हैं, कि जो गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं, और ऐसी मान्यता है कि उनको मोदक चढ़ाएं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। और गणेश जी का फेवरेट प्रसाद, फेवरेट जो चीज़ होती है वो मोदक होते हैं। तो मैंने प्रसाद में उनके लिए लड्डू भी चढ़ाए हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको मैंने मंदिर किस तरीके से सजाया है। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स मैंने ये बाहर एक माला, मैंने दो मालाओं को जोड़ के एक माला बनाई है, और ये मैंने इस तरीके से कुछ सजाया। नीचे मैंने छोटी छोटी सी दो रंगोली बनाई है, बहुत ही स्मॉल है, इस तरीके से दोनों साइड में। अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से, डोर ओपन करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने साइड साइड में ऐसे फ्लावर्स से थोड़े लगाए हैं कॉर्नर्स में, इस तरीके से मैंने फ्लावर लगाए। ये बैठने का हमारा मैट है, जिसको मैंने कल ही वॉश कर लिया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे गणपति बप्पा, ये देखिए इनके हाथ में बुक है, और ये बुक पढ़ते हुए ऐसे लेटे हुए स्मॉल गणपति है मेरे, क्यूट से ऐसे बुक पढ़ रहे हैं। उनके आगे ओरिजिनल लड्डू भी रखे हैं, और वैसे उनकी मूर्ति में जो है वो भी लड्डू है उनके हाथ में। और ये देखिए कितने क्यूट से गणपति बप्पा। ये मैंने पूरा उनके सारी चीज़ें जो गणपति जी को चढ़ती हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं, पान के पत्ते, धूप, सुपारी, सारी चीज़ें गणपति जी को चढ़ाई जाती हैं आज के दिन, इस तरीके से कुछ मैंने सजाया है। ये भी गणेश और लक्ष्मी जी है, इस तरीके से कुछ रखे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है दिया जला रखा है मैंने, यहाँ पे फ्रूट चढ़ा रखे हैं भगवान जी को, ये कलश की स्थापना की थी मैंने मॉर्निंग में जब पूजा की थी। तो ये है हमारे कृष्णा और राधा जी, ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये जो कृष्णा और राधा की जो माला पहन रखी है, माला भी मैंने DIY की थी, और जो कृष्ण जी की स्पेशल बांसुरी है, ये आपको दिख रही होगी कृष्ण जी की बांसुरी, ये भी मैंने बनाई थी अपने आप ही, DIY की थी। ये राधा जी है, ये कुछ इस तरीके से मेरा मंदिर दिख रहा है। अब मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ, ये देखिए साइड में मैंने गणपति बप्पा जी का सिंहासन बनाया है, और ये है हमारे भगवान जी, और पीछे ऐसे इस टाइप का सुफल जो होता है उसकी ऐसी वो है, और बैक साइड में भी दिए हैं ऐसे हैंगिंग दिए, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जला दिए थे, अभी फिर से मैं तेल ख़त्म हो गया होगा शायद, अब फिर से मैं जलाऊंगी। और ये मैंने बैकड्रॉप बनाई है सिंपल सी, ऐसे माला की पांच मालाएं ऐसे लटका रखी है इस तरीके से कुछ। और ये मैंने बीच में, ये उनका इस तरीके का कुछ था, ये बीच में लटका दिया मैंने ऐसे इस तरीके से। अपने अपने यहाँ तो फ्रेंड्स, अब हम पूजा कर रहे हैं गणपति बप्पा की,
और मेरा बेटा आ गया है। हेलो हेलो। तो अभी पूजा करेंगे दोनों मिलके। गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरिया से, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर गणेश चालीसा पढ़ेंगे, ठीक है कौशु? तो अभी मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, भगवान जी की मैंने आरती कर ली है, अभी मैं डिनर बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो पूजा मेरी बहुत अच्छे से हो गई है और भगवान से ही मनोकामना रहेगी कि भगवान सबका भला करे और सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे फ्रेंड्स। तो आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप भी अपने घर में अच्छे तरीके से पूजा कीजिए।